हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू विज्ञान का ज्ञान एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जैसा कि आपको टर्म टू के विषय में भी आपको एक जानकारी दे दी जाए, आपने देखा होगा कि लास्ट दो सालों में जो पेंडेमिक की स्थिति रही है, इस वजह से आपके सिलेबस को बहुत रिड्यूस किया गया है। और रिड्यूस करने के पीछे का दो कारण था। पहला ये था कि चूंकि स्कूलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और एक बंदा कहीं से पढ़ा रहा है, लाइक कुछ उसमें पढ़ रहे हैं, कुछ उसमें अपना स्पीकर ऑफ कर दिए, कोई कैमरा ऑफ कर दिए, तो CBSE को ऐसा पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस चल तो रही है लेकिन बस वो चल रही है, उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। तो अब ये जो ऑनलाइन क्लास है आपके स्कूल के ऑनलाइन क्लास से भिन्न इसलिए है कि ये यूट्यूब के लिए बनाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक रेस है एक्सेलेंस की। हर टीचर जब पढ़ाता है यूट्यूब पे आकर के अपनी वीडियो बनाता है, तो वो ये सोचता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद किसी और चैनल पे ना जाना पड़े और उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैं ये वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ बिफोर आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले, ताकि इस अकेली एक वीडियो को देख करके न सिर्फ आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट भी अगले आने वाले दो सालों के लिए जिनको बायोलॉजी लेनी है उनके लिए ये क्लियर हो जाए। तो अब इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग हेरिडिटी चैप्टर को। पूरी वीडियो को सभी बच्चों को ये ऑनलाइन अभी देखने वाले आने वाले समय में और ऑफलाइन जो अभी मेरे साथ है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही आपके रिवीजन का एक बहुत बड़ा हथियार होगा। इसमें आपकी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। इस वीडियो में इंटीग्रेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बीच बीच में बच्चों से इंटरेक्ट करके पूछता रहूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज हेरिडिटी, यहीं से ये हमारा शुरू होता है। देखिए, जैसा कि यहाँ स्लाइड में आप देख पाएंगे कि पहले यहाँ एक डैड सन एंड मॉम दिखाया गया। कॉमन बात यह है कि जो फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे मैं इंसान हूँ तो मेरा बच्चा भी मेरे ही जैसा इंसान होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो घोड़ा हो जाए। लेकिन क्या कारण है कि इंसान का बच्चा इंसान होता है, हॉर्स का बच्चा हॉर्स होता है, काऊ के बच्चे काऊ जैसे होते हैं? यानी कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो जो मदर और जो फादर होते हैं वो जब अपने गैमेट्स को फ्यूज़ कराते हैं तो रिजल्टेंट में जो बच्चा जन्म लेता है वो हमेशा उनके जैसा होता है। जैसे ये कहने का सरल मतलब ये भी है, जैसे मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन का कैरियर होता है। इन्फॉर्मेशन का कैरियर का मतलब है कि मैंने अभी अचानक से ओमकार से कहा कि बाबू जा करके राज को ये बता देना या जाके हंस को बता देना कि आज क्लास नहीं चलेगी, तो आपने जिस भाषा को जिस रूप में सुना आप उसी रूप में जाएंगे और आप अंश को जाकर के बता देंगे कि भाई आज सर ने कहा है कि आज क्लास नहीं चलेगी। तो ठीक उसी तरह से DNA भी इंफॉर्मेशन के कैरियर्स होते हैं। ठीक है, ये DNA जिस तरह से इंफॉर्मेशन को लेते हैं उसी प्रकार से ले जाकर के एक्सप्रेस कर देते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये DNA जो मदर और फादर के जरिए या ये जो जीन्स आगे चली, क्या ये अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर पाई या नहीं कर पाई? अगर कर पाई तो कैरेक्टरिस्टिक्स में साफ साफ झलक जाएगा। जैसे लोग कहेंगे अपने पापा की तरह मोटा है, अपने पापा की तरह गंजा है, अपने पापा की तरह ये है, ये टेढ़ा है मेढ़ा। हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी फीचर्स जो होती हैं वो एज इट इज आ जाती है, देखते ही पता चल जाता है ये भाई बहन है। बेस्ट एग्जांपल पीयूष एंड प्रियंका को देखिए, एकदम ऑटोमेटिकली देखते ही पता चल जाएगा। कोई तीसरा आदमी पहली बार भी मिलेगा देखते ही कहेगा ये दोनों भाई बहन है। तो ऐसे में जब पैटर्नल या मैटर्नल जो जीन्स एक्सप्रेसिव होते हैं, जीन्स जब एक्सप्रेसिव होते हैं तो आपके फिजिकल फीचर यानी कि आपकी जो भौतिक जो शरीर आपके सामने में ये जो है इसमें झलक जाते हैं। और अगर वो नहीं एक्सप्रेस हो पाए तो ऐसा भी होता है कि आपके फादर के फीचर्स आप में नहीं आए लेकिन आपके सन में आपके फादर वाले फीचर आ जाएंगे। ऐसे जीन्स जो शुरुआत में कभी खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए और एक टाइम के बाद खुद को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम रेसेसिव जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जीन्स दो प्रकार के हो गए, डोमिनेंट जीन, रेसेसिव जीन। डोमिनेंट का हम लोग के भोजपुरी भाषा में अगर कहें तो बरियार, और बरियार तो बरियार ही होता है, कुमार मुर्गे अपने आप को एक्सप्रेस कर ही लेता है। तो जो डोमिनेंट जीन्स हैं वो काफ़ी बरियार हैं, काफ़ी मजबूत हैं, वो अपनी प्रेजेंस हर हालत में दर्ज करा देते हैं, मतलब अपनी उपस्थिति हर हालत में दर्ज कराते हैं। और एट द सेम टाइम जो रेसेसिव जीन्स होते हैं वो किसी कारणवश पेयरिंग ना हो पाने की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो दबे रहते हैं और कभी कभी अगली जनरेशन में आकर के रिपीट होते हैं। ठीक है, देखिए अब व्हाट इज इट, ये क्या है एंड व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सिंपल है, अगर हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, सारे इंसानों के बीच में एक इंसान दिखा जिसकी शक्ल बंदर जैसी है, ऐसा होता है हमारे भारत में, तो बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं।
तो आप ये कहते हो कि यार देखो, पता नहीं क्यों पूरी बॉडी तो उसकी इंसान जैसी थी लेकिन शकल एकदम बंदर जैसी थी, अजीबोगरीब चेहरा था उसका। या कभी कभी आपने किसी को 6 उंगलियों के साथ देखा है, कभी कभी आपने बॉडी को ज्वाइंट देखा है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बड़ा चर्चा का विषय था साइंस में कि एक मतलब एक बच्चा मतलब दो बच्चे एक हेड से अटैच थे, हेड एक ही था और बॉडी दो थी, बॉडी दो थी। तो ये क्या है? तो ये हो गया उनके अंदर में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट, जिसे हम म्यूटेशन कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन जब होता है तो उस समय में हमारे डैड और हमारी मॉम अपना स्पर्म और ओवम डोनेट करते हैं और उस स्पर्म में भी कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, उस ओवम में भी कुछ इन्फॉर्मेशन होता है और ये दोनों सेल डिवीजन के जरिए, मतलब जाहिर सी बात है एक पापा का सेल एक मम्मी का सेल दो ही सेल है लेकिन हमारी बॉडी तो करोड़ों अरबों सेल से बनी है, तो इसमें लगातार सेल डिवीजन होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ते रहते हैं सेल्स। और फिर ये सेल्स ग्रुपिंग करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए ज्वाइंट हो जाते हैं, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। हमने कहा है, पढ़ा भी है क्लास 9th में कि ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू, यानी कि ये सेल्स एक ग्रुप बना लेते हैं और ये पर्टिकुलर फंक्शन को ही करते हैं। अब ये सेल्स चले तो प्रत्येक सेल अपने साथ डीएनए कैरी किया ना, प्रत्येक सेल ने अपने साथ इंफॉर्मेशन कैरी किया, भाई जीन्स निकले होंगे। अब उनमें से आपको भी पता है कि हमारे शरीर में रोज लाखों सेल्स बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग साइंस की भाषा में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी कि ब्रेकिंग अप एंड बिल्डिंग अप। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें बच्चों मिली हुई होती है, पहला कि एक तरफ तो कैटाबॉलिज्म होता है और एक तरफ एनाबॉलिज्म होता है, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं। अब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या है, यानी कि एक समय में अभी आप यहाँ बैठ के आप सभी पढ़ रहे हो ना, जाहिर सी बात है आपने कुछ नाश्ता किया होगा, कुछ खाया होगा, आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन क्या है, आपकी बॉडी के ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ देना ताकि आपको एनर्जी मिले, यही होता है ना। फोटोसिंथेसिस का वाइस वर्सा लेकर के हम लोग चलते हैं। अब यहाँ क्या कि आपकी बॉडी को जो भी खाना है उस पर लगातार वो ऑक्सीजन की मदद से वो टूट रहा है और आपको एटीपीज में एनर्जी दे रहा है, जो आपकी बॉडी में एनर्जी कंटिन्यूअसली आपके काम आ रही है, ठीक है। अब ये एनर्जी कम पड़ने लगती है, आप थक जाते हैं, दोपहरों पर 1-2 बजे के आसपास में आपको नींद आने लगती है, आपकी बॉडी आप योनिंग करने लगते हो, ऐसे अटने लगते हो। ये प्रोसेस बताता है कि इस समय आपकी बॉडी में कुछ सेल्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं या फिर वो खत्म हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी में सेल्स बन भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, तो मरे हुए सेल्स को रिपेयरिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे आपके घर में एक मोबाइल है और अगर वो काम करना बंद कर देता है तो ऑटोमेटिकली आप उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं और बनवाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान ना करे अगर नहीं बनता है तो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि यार मुझे दूसरा ले लेना चाहिए। तो हमारी बॉडी भी जब सेल्स को बनाने की कोशिश करती है और इस क्रम में अगर वो सेल्स नहीं बन पाते हैं तो प्रयास करती है नए सेल्स को बनाने के लिए। और जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में एनर्जी की एक्स्ट्रा डिमांड होती है हमारी बॉडी की। हाँ ना भाई, आपकी बॉडी जब नए सेल्स बनाएगी तो जाहिर सी बात है एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो यहाँ पर इस चीज में आपको ये बताने का तात्पर्य ये था कि डैड के भी सेल और मॉम के भी सेल कंटिन्यूअसली खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते रहेंगे, उनमें से कुछ कमजोर होंगे जो नॉन एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो वो लक्षण आपका नहीं दिखेगा, तो कोई देख के आपको कहेगा कि ये मम्मी की तरह दिखता है आपने, ये पापा की तरह दिखता है आपने, वगैरह वगैरह। सो ये दिस इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट पासेस सर्टेन जीन्स ऑन टू देयर चिल्ड्रन, अर्थात ये पेरेंट्स अपनी जीन्स ले गए, मम्मी ने अपनी हाइट दे दी और पापा ने अपने ईयर जैसा स्ट्रक्चर दे दिया। एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम आपको बताने के लिए काफी है कि माता पिता के लक्षण मिल गए। वॉट डज दैट मीन, यहाँ पे देखो ये बच्चों आंखों के कई कलर दिए हुए हैं, कई कलर हैं। और जाहिर सी बात है हम लोग जब आईब्रोज की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये भी अलग अलग होता है, किसी का बहुत घना होता है, किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का बिल्कुल गायब होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे आई का टाइप, किसी का ब्लूइश, ऑरेंजिश, ग्रीनिश, ब्लैकिश, ब्राउनिश, ये कैसे है, तो दे रहा है
Children inherit their biological parents' genes that express specific traits. अर्थात बच्चों, इस लाइन का मतलब है, यहां पे देखिए, बायोलॉजिकल पेरेंट्स का मतलब जिन्होंने हमें जन्म दिया, यानी हमारे मम्मी और पापा, उनकी जीन्स एक्सप्रेस होती है, एक्सप्रेस मतलब खुद को प्रस्तुत करना, सामने लाना, स्पेसिफिक ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब बच्चों हो जाता है लक्षण, क्या हो जाता है, ये लक्षण हो गया, स्पेसिफिक का मतलब खास, निश्चित तौर पे एक खास तरह के लक्षण माता पिता द्वारा हमारे में आते हैं, जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि शारीरिक विशेषताएं, फिजिकल का मतलब शारीरिक, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं, नेचुरल टैलेंट्स, जैसे कि आपके पापा बहुत अच्छे सिंगर थे, आपने भी उस चीज को इनहेरिट किया और आपकी भी आवाज बड़ी सुंदर है, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि आपके पापा भी गंजे थे और एक एज के बाद आप भी गंजे हो गए, या आपके पापा को भी शुगर था, आपको भी एक एज के बाद शुगर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों बात आ रही है हेरिडिटी और वेरिएशन की। यहाँ देखिए, ये कान का एक फोटो दिया हुआ, हमारी ईयर्स है, इस समय हम सभी लोग अपने कानों को अगर टच करके देखें तो किसी को ये लगेगा कि ये फ्री है, ये वाला हिस्सा लोब जो है ये फ्री है, और किसी को लगेगा कि ऐसे चिपका हुआ है, किसी का कान ऐसे खड़ा होता है, लाइक आमिर खान ऐसे बंदर वाला कान, सॉरी बट उनका कान वैसा ही है, और किसी का कान बहुत बड़ा बढ़िया सा शेप में होता है, किसी के कान महात्मा बुद्ध जैसे लंबे लंबे कान होते, ये कान ही तो है, सब में काम वही है कि कान सुनने का काम करेगा, लेकिन सबके डिजाइंस अलग अलग हैं, तो ये हेरिडिटी को दर्शाता है, यानी कि आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के जो बनावट थी उन लक्षणों को एक्सप्रेस करता है। तो लिख रहा है हेरिडिटी रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब लक्षणों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, फ्रॉम पेरेंट्स यानी माता पिता से टू ऑफ स्प्रिंग्स यानी बच्चों को, यानी कि हेरिडिटी का मतलब होता है माता पिता के लक्षणों को बच्चों तक पहुंचाना, सरल भाषा में कहें कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स इज नोन एज हेरिडिटी। ठीक, और हेरिडिटी कहीं ना कहीं हमारी रिप्रोडक्शन से बहुत जुड़ा हुआ चीज है, जैसे ही रिप्रोडक्शन होता है उसी समय में रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी एक दूसरे को अटैच कर लेते हैं, जाहिर सी बात है कि एक ह्यूमन ने जब कंट्रीब्यूट किए अपने क्रोमोसोम्स को, जो हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, तो क्रोमोसोम्स जब निकले तो क्रोमोसोम्स अपने साथ जो जीन्स कैरी किए वो एक्सप्रेसिव जीन्स लेकर के आए, और उन्होंने बताया कि हम इंसान के स्पर्म है, हम इंसान के ओवम है, तो बच्चा भी इंसान ही होना चाहिए, घोड़ा या गधा नहीं। तो पहला तो ये क्लियर है कि हम लोगों के बच्चे हमारे जैसे इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है, जो यहाँ मैंने आपको बताया, वो हमसे हमारे बच्चों तक पहुँचती है, और यही है बच्चों हेरिडिटी। इंसान का बच्चा इंसान होना हेरिडिटी, काऊ का बच्चा काऊ होना हेरिडिटी, डॉग का बच्चा डॉग होना हेरिडिटी, और इसी प्रकार से बर्ड्स के बच्चे बर्ड्स होना, क्रोकोडाइल के बच्चे क्रोकोडाइल होना, ये सब सरल भाषा में आप कहिएगा हेरिडिटी होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, रिवीजन का आपको मौका मिल जाएगा, वीडियो को जरूर आप आराम से देखेंगे घर पे। एन इनहेरिटेड ट्रेट इज अ पर्टिकुलर जेनेटिकली, यानी इनहेरिट मतलब जो प्राप्त किया, इनहेरिटेड ट्रेट मतलब लक्षण, ये पर्टिकुलर जेनेटिकली डिटरमाइंड फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ पर्सन फ्रॉम द अदर्स। अर्थात इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वो होते हैं बच्चों जो हमें आपसे डिफरेंट बनाते हैं, वरना क्या होता कि मेरी शक्ल और इस पूरी क्लासरूम में जितने लोग मौजूद हैं सबकी शक्ल एक जैसी होती। आप देखिए, हम सभी इंसान हैं लेकिन सबकी हाइट अलग है, सबके फेशियल कलर अलग हैं, बाल का स्टाइल सबका अलग है, कान की स्टाइल सबके अलग है, आंख की बनावट सबकी अलग है, इतना मामूली मतलब मामूली नहीं कहेंगे गैर मामूली अंतर ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि वो ट्रेट्स या वो लक्षण हम अपने माता पिता से अपने पास प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी डिफरेंस, अरे हम अपने मम्मी पापा की 100% भी कॉपी नहीं होते हैं, होते हैं क्या? वरना ये तो वही होगा कि कभी आपके पापा को कोई सामान देना तो आपको देके चले जाएंगे सर, पिता आप खुशी हो जाओगे, तो पापा को पैसा आ रहा था 5 लाख वो सब हमको देख चलेगा,
अब हमें पापा खोज रहे हैं, तो ये भी एक गड़बड़ चीज है। आप 100% कॉपी होते तो मैं भी, आप मेरे से 10 मिनट पहले आते, बच्चों 20 मिनट चल जाते, बाद में मैं आता तो कहते कैसा फीस, अब ही तो लेके भागे। तो इंसानों को भगवान ने सोचा कि अगर ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस अगर नहीं दिए जाए तो कोई भी, देखिए कुछ लोगों का लक्षण होता है, तो थोड़ा इंसान की तरह जाइए, मेरा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जैसे अटैच और फ्री एयर लोब इन ह्यूमन बींग, यानी कि बच्चों ये सीधे सीधे तौर पे हेरिडिटी थी, जिसके माता पिता में इस तरह के लक्षण देखे गए उस तरह का लक्षण उसने एक्सप्रेस किया, तो हमारी आंखों का कलर, बाल का कलर, हाइट, चेहरा वगैरह वगैरह, ये सब जो हमें दूसरे से डिफरेंट बनाता है, यही तो है हेरिडिटी। अब एक शब्द आया वेरिएशन। अब वेरिएशन में देखिए, वेरिएशन रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज। इस समय आप भी मेरी ही स्पीसीज के हैं, होमो सेपियंस, और मैं भी होमो सेपियंस हूं, लेकिन हम दोनों में अंतर है। जो साफ देखा जा सकता है, ये सब तो मामूली चीजें हैं, लेकिन एकदम स्पेसिफिक, जैसे जेनेटिक वेरिएशन अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, यानी इस समय आपकी बॉडी में जो जीन्स है वो निकले, और बच्चों म्यूटेशन का देसी भाषा में मतलब समझिए कि आपको यहाँ से मम्मी कोई सामान लाने के लिए पैसे देती है, पहले ये जाकर के किसी को कहिए तो ये कौन ठोक रहा है, जैसे लग रहा है सर पे बम मार देगा। तो यहाँ पर सबसे सरल तरीके से आप समझ सकते हैं कि म्यूटेशन का मतलब है कि आप चले घर से बेसन लेने, और बीच में अचानक से कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से आप बेसन लेने के लिए गए, और बीच में कोई मिला, घबराए नहीं, वो बेसन की जगह आप आटा लेके पहुंच गए। अब हुआ क्या कि इंफॉर्मेशन बीच में आप चार लोगों से मिले, जिसकी वजह से आपके दिमाग में एक ये बात आई कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है वो गलत फॉरवर्ड हो गई। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे माता पिता के जीन्स जो होते हैं वो यहाँ से ट्रांसफर होते हैं, और ट्रांसफर जैसे ही होते हैं बच्चों, जैसे हमारे माता पिता के जीन्स जब हमें ट्रांसफर होते हैं, कौन है जी फिर तो बजा रहा है, तो देखिए अब यहाँ पर ये देखिए एक फोटो दिखा रहा है, लाल पीला ऑरेंज ब्राउन ब्लैक, अब देखिए सबका देख रहे हैं। अब हम सभी की मतलब फेशियल फीचर्स की भी बनावट अलग होती है, तो वेरिएशन में हुआ क्या कि म्यूटेशन का मतलब है कि चला ABCD बाजार करने, बीच में ABCD से मिला EFGH, कौन मिला ABCD चला बाजार, और रास्ते में उसको मिल गया EFGH, दोनों मिले, और बात करते करते ABCD में से CD चला गया उधर, और उसमें का EF आ गया इधर, यानी कि पूरी सीक्वेंस चेंज हो गई। सीक्वेंस जो थी, जो पापा ने भेजा था कि ये बेटे तुम जाओ बाजार, और AB को बोला बेटे जाओ बाजार, और ये रास्ते मिल गया CD से, A हो गया C के साथ, B हो गया D के साथ, यानी कि सीक्वेंस में बदलाव आ गई। इसी को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे सडन चेंज इन द जीन सीक्वेंस इज नोन एज म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? सडन चेंज इन द जीन सीक्वेंस इज नोन एज म्यूटेशन। तो ये हो गया म्यूटेशन। रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस, यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के दौरान कुछ चीजें रिकम्बाइन कर गई, जिसकी वजह से कुछ अलग चीजें एक्सप्रेस हो गई, जैसे स्किन का कलर, जैसे हमारी हाइट, जैसे हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता। हो सकता है कि हमारे माता पिता में डस्ट से एलर्जी रही हो, और म्यूटेशन की वजह से वो जो जीन्स आ रहे थे जो हमें भी अपने पिता के लक्षण को दे देते, उनमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन की वजह से हमें वो लक्षण नहीं एक्सप्रेस हुआ, और आपके माता पिता धूल मिट्टी में छींक रहे हैं और आप वहाँ आराम से चल रहे हैं, यानी कि लक्षणों का बदलाव। हो सकता है कि आपके माता पिता की हाइट 5'6", 5'5" है, और एट द सेम टाइम वेरिएशन की वजह से आपकी हाइट 6'2" हो गई। आप इस समय में तो ये बहुत कॉमन है कि आपने देखा होगा कि इस जनरेशन में बच्चों की हाइट अपने माता पिता से जनरली ज़्यादा चली जा रही है। हम लोगों के टाइम ऐसा नहीं होता था, हम लोगों का टाइम अलग था, हम लोगों के टाइम में हाइट्स वैसे नहीं बढ़ती थी, आजकल बच्चे एकदम एबनॉर्मल तरीके से अपनी हाइट छोड़ देते हैं, किसी भी एज में बहुत लंबे हो जा रहे हैं। तो ये वेरिएशन था, क्लियर है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। यू डोंट थिंक कि ये
वीडियो बन रहा है तो ऑनलाइन भी कल कोई बच्चा देखेगा तो उसको ये लगेगा कि सर ने पढ़ाते वक्त, जानते क्या होता है यूट्यूब वीडियो जब लोग बनाते हैं तो एक शांत कमरे में चले जाते हैं, अकेले अपने कंटेंट में बनाते हैं, जैसे आपने अन्य चैनलों का देखा। मैं जब उनकी वीडियोज देखता हूँ तो मुझे वो लगता है कि ये जैसे एक रीडिंग टाइप का है। जब आप पढ़ा रहे हो और जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो जो वीडियो देखेगा कोई दूसरा भी, आपका फ्रेंड को भी आप अगर फॉरवर्ड करेंगे तो उसको ये फीलिंग होगा कि सर ने बीच बीच में बातों को अपने पढ़ाते हुए भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को सुना। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ क्वेश्चन यहाँ तक में पूछे, वेरिएशन तक। कोई डाउट है किसी को? किसी को? मिस्टर आदित्य नो। सो अब ये हेरिटेज वेरिएशन आपने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए हेरिडिटी वर्सेस वेरिएशन, जैसे आईपीएल का मैच इस टीम वर्सेस ये टीम, वर्सेस का मतलब होता है बना के खिलाफ, यानी हेरिडिटी और वेरिएशन में जो एक खिलाफत चलती है अब वो क्या है। अब देखो हेरिडिटी इज द मैकेनिज्म व्हिच ट्रांसमिट कैरेक्टर रिजेंबल्स एज वेल एज डिफरेंसेस टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देम। हेरिडिटी का मतलब साफ साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, यानी कि हमारे माता पिता के लक्षणों का एक जगह से मतलब उनसे हम तक पहुंचना। रिजेंबल्स यानी कि समानताएं, जाहिर सी बात है वो भी इंसान थे हम भी इंसान है, ये हेरिडिटी है। एज वेल एज डिफरेंसेस कि पापा गोरे हैं हम थोड़े काले हो गए, ये डिफरेंसेस हो गए पापा में और हमें, या हो सकता है कि वो काले थे हम थोड़े गोरे हो गए, डिपेंड करता है। दूसरी तरफ वेरिएशन रिप्रेजेंट्स विजिबल डिफरेंस शोन बाय इंडिविजुअल विद इन द ऑफस्प्रिंग एंड स्पीसीज। इस समय हम सभी का एक दूसरे से डिफरेंट होना इज वेरिएशन। हेरिडिटी तो अभी जो मैं दिख रहा हूँ ये मेरी हेरिडिटी है, मेरे पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन है जो मेरी बॉडी में एक्सप्रेस हुआ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ। लेकिन हम सब अलग क्यों दिखते हैं? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बच्चों इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग दिखता है, इसके पीछे का क्या लक्षण है, क्या कारण है? तो आप बोलिएगा वेरिएशन। वरना अगर हम सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि कौन पढ़ाने आया और कौन घर पे सो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज हेरिडिटी का अगला पॉइंट, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी विद इन द पॉपुलेशन। हेरिडिटी से आपके अंदर कोई ऐसी डाइवर्सिटी नहीं आती है कि आप अपनी जनसंख्या में कुछ अलग दिखें, नॉर्मल सी चीजें। लेकिन रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी विद इन द पीपल, वेरिएशन से डाइवर्सिटी आती है, बहुविधताएं आती है, समझ रहे हैं? जैसे अंग्रेज को देखते ही कहना अंग्रेज, नेपाली को देखते ही नेपाली, चाइनीज को देखते ही चाइनीज, इंडियन को देखते ही इंडियन, अफ्रीकन्स को देखना अफ्रीकन्स। हम सब इंसान हैं लेकिन उनको देखते ही बोल देते यार ये तो अंग्रेज लग रहा है। ये अंग्रेज लगना वो उसकी हेरिडिटी है और हमारे लिए वेरिएशन है, क्योंकि हम साफ साफ उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं ये हमारे जैसा नहीं है, है हमारे जैसा लेकिन हमसे अलग है। चाइनीज को देखते ही बता देते छोटी छोटी आँख ही है, आँख तो आँख है नाक तो नाक है, लेकिन उसकी जो फेशियल फीचर्स हैं उसको देखते आप क्लियरली बता देंगे कि ये बंदा यहाँ का नहीं है। अगला हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन इवोल्यूशन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे इसका कोई इन्फ्लुएंस यानी कि कोई प्रभाव नहीं है। यानी एक इंसान से आप घोड़ा बन गए तो हेरिडिटी की वजह से बने हो, ये आप बनते हैं वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों, वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सामान्य लोगों से बिल्कुल भिन्न दिखने लगते हैं, तो ये वेरिएशन है, हेरिडिटी नहीं है। इवोल्यूशन का मतलब होता है स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीसीज, अर्थात धीरे धीरे बनमानुष और बंदर हमें जो भी उनको जिस नाम से बुलाए, लोग कहते हैं कि धीरे धीरे वो इंसान बने, तो ये एकदम से नहीं बनेंगे या एकदम से हम लोग डायनासोर्स नहीं बनेंगे। ओके, सो अब एक मिनट के लिए आप ये देखिए, फिर इसको इसके हम आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। और फ्लैट फीट वर्सेस आर अटैच और फ्री एयर लोब कलर सी टाइप जेनेटिक डिजीजेस, इसके सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब कान वान का डिजाइन ये सब जुड़ी है। एट द सेम टाइम अब आंखों का रंग, स्किन कलर, हेयर का कलर, डिम्पल्स, ये फ्रिकल्स, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं जैसे हंसते वक्त गालों में गड्ढा पड़ जाना या ये सारी चीजें, ये कहीं ना कहीं हमारे वेरिएशन का एग्जांपल है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं।